हुआ ऐसा कि जैसे ही आयुष सुबह उठा, मैं छुपके से इसको सैलून में ले गया और इसका बाल कटवा दिया। आप सबको पता ही, आप रोज़ इसको देखते ही हो ब्लॉग में, तो इसके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे। मैं तो रिंकू तो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको पता नहीं था मैंने इसका बाल कटवा दिया है, और बाल बिना पूछे ही कटवाया है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा है। कटा है जो आज इसकी शक्ल अजीब सा लग रहा है और इसकी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्या ख्याल है आपका भाई? दी में क्या हुआ, एक्चुअली मैं छत पे गई थी कपड़े सुखाने, कपड़े धोने चली गई थी, उतने में ही ये चुपके से उठा के इसको ले जाके कटवा दी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हेंसी आइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे अपने लाइफ में और मस्त होंगे बिल्कुल मेरी तरह। गाइस आज है शनिवार का दिन और शनिवार को मैं बहुत ही ज़्यादा कपड़े धोती हूँ और मेरे को फुर्सत नहीं होती है, तो चलिए आज देखते हैं आज दिन भर का जर्नी कैसा रहता है। रोहित के लिए नाश्ता बन रहा है और रोहित कह रहा है मुझे मैगी ही चाहिए। रोहित के लिए यहाँ पे रोटी बन चुका था लेकिन वो कह रहा है नहीं मुझे मैगी ले जाना है, इसलिए हमेशा वो रोज़ ही नाटक करता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग बोल दो रोहित। गुड मॉर्निंग रोहित, को आज पास्ता खाने का मन था तो इसलिए बोला मैं चौमिन ही खाऊंगा, तो उसके फेवरेट उसका चौमिन ला के बनाया गया है। अच्छा आपकी तो आज छुट्टी है? हाँ आज छुट्टी है, आज तो कपड़े धोंगी, बच्चे तो पकड़ ही देंगे। हाँ आज आपकी हेल्प कर दूंगा मैं, वैसे मैं हेल्प करता नहीं। वैसे बाय द वे ये कह रहे हैं ये वीडियो में ही हेल्प करेंगे सिर्फ, जैसे ही कैमरा में ऑफ करूंगी तो ये हेल्प नहीं करते हैं। मैं करता हूं, ऐसी बात नहीं है। हाँ पिछले शनिवार को देखा था आप लोगों ने, जैसे कि मैं छत पे थी तो खुद से भूख लगा था तो खाना बना के खा रहे थे। अरे तो आप ऊपर कपड़े धो रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेता हूँ। बच्चा कौन पकड़ता? अरे मैं ही पकड़ता लेकिन हुआ नहीं था, पिछली बार नहीं पकड़ा था। अच्छा तो देखते हैं आज बच्चा पकड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि कपड़े तो बहुत सारे हैं, छुट्टी वाला दिन है, कपड़े बहुत है, उसमें भी रोहित स्कूल चला जाएगा। रोहित रहता है तो थोड़ा बहुत आइस को देख लेता है, लेकिन रोहित भी जा रहा है स्कूल तो ये 12:30 बजे आएगा। और आज हेल्प कर दूंगा, आप सब गवाह है। अच्छा ठीक है गाइस, आप लोग बने रहिएगा, फैमिली मेरी गवाह है, ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, देखते हैं आज ये हेल्प करते हैं कि नहीं, जैसा भी होगा मैं बताऊंगी। डेफिनेटली आज हेल्प करूंगा, आप सबको दिखेगा। ठीक है देखते हैं किस तरीके से मेरी हेल्प होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी। आलू कटी हुई है यहाँ पे, प्याज काट लिया है, बस इसको धोना बाकी है। जब तक रोहित स्कूल चला जाएगा उसके बाद ये सब खाना बनाऊंगी। दोस्तों इनकी एक खूबियाँ बताती हूँ कि जब से मेरा रोहित स्कूल जा रहा है जब से यही तैयार करते हैं, मैं कभी तैयार नहीं करती हूँ, मैं कभी काल एक आध बार हो जाता है जो मेरे से छूट जाता है, लेकिन हमेशा यही तैयार करते हैं क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, बाकी घर वालों के लिए भी मैं लंच बनाती हूँ, इसीलिए यही तैयार करते हैं। तो अभी देख सकते हो आप, अभी मना कर रही थी कि मैं हेल्प नहीं करता, अभी खुद ये ड्रेस बनाते हो, यही तो एक प्लस पॉइंट है, उसके अलावा तो आपको ये कोई हेल्प नहीं करते मेरी। जा रहे हो? बाय बाय, पापा आ जाएंगे लेने। ओके तो दोस्तों देख सकते हो अभी जैसा कि रिंकू रोटी बना रही है और सुबह सुबह हो रहा है, तो इसने दाल सब्जी चावल बना लिया है और लास्ट में रोटी बना रही है। रिंकू कुछ कहना है? अब इसके बाद कपड़े धोने जाऊंगी। अच्छा बहुत काम है आज, फुर्सत नहीं है मुझे। अच्छा तो इनका काम शुरू हो चुका है, दिनचर्या इनका स्टार्ट हो चुका है। और मतलब 2-3 बजे तक मैं आज खाना ही नहीं खा पाती हूँ, इतना बिजी रहती हूँ। अभी कर करके मैं जाऊंगी छत पे, फिर कपड़े मशीन में डाल के आऊंगी, फिर वहाँ से आऊंगी तो सबको खाना खिलाऊंगी। खाना खिलाने के बाद 12-1 बज जाएगा, मुझे कपड़े धोना है, फिर आयुष भी उठ ही जाता है।
तो दोस्तों देख सकते हो आप एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कितना कठिन होती है। ये लोग नहीं समझते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि समझते ये लोग एक सुबह उठते हैं तो जब तक सोना जाए तब तक काम करते रहते हैं। इनका काम बहुत बड़ा है लेकिन दिखता छोटा है। रात को 12 बजे तक। राइट, इतना ज़्यादा ऊपर से 2 बच्चे, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग कि उसका कोई जवाब नहीं है, बट फिर भी हम जैसे लोगों को दिखता नहीं है। तो प्लीज लोगों को नहीं दिखता है भाई दीदी, तो प्लीज आप सब भी इनके कामों को सपोर्ट कीजिए और लाइक दीजिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को मोटिवेशन मिले। आज क्या हुआ कि जैसे आयुष सो के उठा, मैं इसको उठा के लेके चला गया सैलून में और इसका आज फाइनली बाल मैंने कटवा दिया। तो आज इसका बाल पहली बार ही कटा है, जो आज इसकी शक्ल अजीब सा लग रहा है और इसकी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्या ख्याल है आपका भाई दीदी? क्या हुआ, एक्चुअली मैं छत पे गई थी कपड़े सुखाने, कपड़े धोने चली गई थी, उतने में ये चुपके से उठा के इसको ले जाके कटवा दिए। इतने दिन से पता था ये मेरी बेटी है और आज ऐसा लग रहा है ना ये लड़का हो गया है आज से भी, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिख रहा आज से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कैसा दिख रहा है, मुझे तो बिल्कुल ही बेकार दिख रहा है। और आज इसका लुक देख के मेरे को ना रोना आ रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है आज बेटी आई है, बेटी नहीं बेटा आया है, इतने दिन से लगता था बेटी हुई है। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आयुष का बाल कटने से अच्छा लग रहा है या पहले बाल में ही अच्छा लगता था, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करो साहब जब तक मैं नहला देती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो अभी रोहित स्कूल गया है और आयुष जो है मज़े से स्नान कर रहा है, मतलब नहा रहा है। आज हुआ ऐसा कि जैसे ही आयुष सुबह उठा, मैं छुपके से इसको सैलून में ले गया और इसका बाल कटवा दिया। आप सबको पता ही, आप रोज़ इसको देखते ही हो ब्लॉग में, तो इसके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे। मैं तो रिंकू तो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको पता नहीं था मैंने इसका बाल कटवा दिया है और बाल बिना पूछे ही कटवाया है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा है। रिंकू गुस्सा हो? तो गुस्सा नहीं करूँगी, आप लोग बताइए। तो कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ भी करने से पहले पूछते हैं ना, एक बार भी मेरे से नहीं पूछे, जबकि ये मेरा ज़्यादा बेटा है, ये पूछते भी नहीं है। ये बात सही है जो मैंने इस पे ज़्यादा मेरा हक है। हाँ ये बात सही है, मैंने आयुष के बाल के बारे में आपसे नहीं पूछा, बट आप दोस्तों आप ही सब अब फैसला कीजिए कि आपको पता ही है कि गर्मी का सीजन आ गया है और बाल इसके इतने बड़े बड़े थे तो फाइनली कितना इसको गर्मी लग रहा होगा। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोली कि हाँ इसका बाल कटवा दो, क्योंकि बच्चों को दिमाग पे जल्दी गर्मी चला जाता है। बट तो, मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं। तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाल कटा दिया जाए, तो मैंने ले गया सुबह और इसको बाल कटवा दिया। तो दोस्तों आप सब बताइए कि मैंने अच्छा किया या बेकार किया, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आयुष बालों में अच्छा लगता है कि बिना बालों का अच्छा लग रहा है। और लेकिन इसका एक खासियत है दोस्तों कि ये रोता नहीं है, ये रोता नहीं है, नहाएगा तो रोएगा नहीं, और बच्चों की तरह नहीं है ये कि हाँ पानी देखते ही रोना लग जाए। ये पानी देख के तो धोने आता है कपड़े, जब भी मैं कपड़े लेके बैठूंगी ये आएगा और बोलेगा मेरे को नहीं ला दो, मेरे को नहीं ला दो। दोस्तों ये नहाने में बहुत एक्सपर्ट है, पानी खींचने में बहुत एक्सपर्ट है ये, इसको बस पानी मिलना चाहिए। वही तो दिख रहा है, एक बार भी नहीं रोया। तो दोस्तों आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने आयुष का बाल कटवा के अच्छा किया कि बेकार किया। आप लोगों को ये बालों में अच्छा लगता है या बाल कट गया तब अच्छा लग रहा है? ये बालों में ही अच्छा लगता है ना। अब ये हमारी YouTube फैमिली बताएगी, यही बोलेंगे वो सब मेरे तरफ से है ना, आपकी तरफ से नहीं है। जरूरी थोड़ी है आपकी तरफ से, फैमिली बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है। मेरे सपोर्ट से हो ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप हम दोनों के मैं से किसके सपोर्ट में हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक आध दो महीने तो और रखना चाहिए था, अभी पूरी गर्मी थोड़ी आई। जैसे कि आप सबको पता है कि आज रिंकू का कौन सा दिन है,
रिंकू सैटरडे शनिवार तो रिंकू शनिवार को खाना नहीं खाई हूँ, साढ़े बारह होने को आ गया है। इसका खाने का कोई पता नहीं होता है क्योंकि ये काम में इतना बिजी हो जाती है कि जब तक इसका काम ख़त्म नहीं होता है तब तक ये काम करती रहती है, चाहे सुबह से दोपहर हो जाए दोपहर से शाम हो जाए, सिर्फ चाय पी के रही है ये। कर क्या क्या आज का काम है तो फाइनली देख लीजिए। अभी आयुष को नहला चुकी है और इधर देखिए मशीन भी चल रहा है, कपड़े लत्ते सब फैले हुए हैं, वो सारा आज इसका काम है, ये धोएगी क्योंकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल, आप सबको पता ही है ब्लॉग में बोली भी है ये, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत इसको सपोर्ट किया जाए। देखिए कपड़े कैसे रखा हुआ है, ये देखिए मशीन भी चला रखी है, मशीन चल रहा है। और इधर ये देखिए आयुष फाइनली नहा रहा है, कहाँ है तौलिया, देखिए ना तौलिया कहाँ है, नहाने के लिए हो रहा दुपट्टा दे दीजिए, नहाने के लिए कह रहा, देखिए फिर चला गया गंदे पानी में, कोई नहीं नहला दो, नहला के लिए बैठी है ये नहाने, नहाने में एक्सपर्ट है, काम है मेरा, ये देखिए कैसे आराम से नहा रहा है, गंदे पानी में जाकर बैठ गया, जल्दी बाहर नहीं, देखिए देखिए चला बाहर, अब नहीं नहलाऊंगी, खड़े हो देखिए कैसे नहा रहा है, मजे ले लेके नहाता है ये दोस्तों। कमेंट करके बताइए और बच्चे से अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि ये नहाता ही नहीं है बिल्कुल। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, 11 बज चुका है, रोहित भी सो गया है लेकिन आयुष नहीं सोया है, आयुष अपनी दादी के पास है। तो ठीक है, मिलते हैं संडे को, जब तक के लिए बाय बाय।